नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। सुल्तानपुर जिले के गणपत सहाय महाविद्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में सूबे की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। कार्यक्रम समापन के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम बच्चों के भविष्य संवारने की दिशा में काम कर रहे हैं, हमारा किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में काम नहीं है। हम 2020 में लागू नई शिक्षा नीति के आधार पर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों से लेकर डिग्री कॉलेजों तक में शिक्षा व्यवस्था में पहले से बहुत सुधार लाया है। नई शिक्षा नीति के तहत हम काम कर रहे हैं जिसमें बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो। इसके पूर्व राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने शिक्षाविदों के महाकुंभ में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता, उभरती चिंताएं एवं आगे की राह विषय पर ऑनलाइन ऑफलाइन संगोष्ठी में विशिष्ट अतिथि के रूप में हरियाणा के प्रोफेसर रविंद्र सिंह बलियाला, चेयरमैन अनुसूचित जाति आयोग ने भी प्रतिभाग किया। इसके अलावा कई जिलों के शिक्षक और शिक्षिकाओं का कार्यक्रम स्थल पर जमावड़ा रहा। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में आए हुए अतिथियों का भाजपा नेता ओम प्रकाश पांडे बजरंगी ने स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर स्वागत किया। तो युवाओं को बेहतर बनाने के लिए, युवाओं को अच्छा करने के लिए, उनके ज्ञान और कौशल को बढ़ाते हुए उनकी प्रतिभाओं को आगे लाना बहुत आवश्यक है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति वही तो है। चाहे आप हो, चाहे हम हो या कोई भी व्यक्ति, अपनी जिम्मेदारी करने जो है अच्छे ढंग से करेगा तभी हम अपने देश को आगे बढ़ा पाएंगे और अपने कार्य को करते। देखिए, जो उद्देश्य है और उद्देश्य आपको फलीभूत होता दिखाई भी दे रहा होगा। जब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र में सरकार बनी थी तो उससे पहले आपने देखा होगा शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनती है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनती है तो उसके बाद में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना सरकार का कर्तव्य बनता है। हम लोगों ने शिक्षा में बेहतर सुधार किए, नकलविहीन परीक्षा करवानी शुरू की। हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेकर के आए जो कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है। कई शिक्षाविदों से बात करके, विचार विमर्श करके, संगोष्ठियां करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और उसमें अब क्या होना है, किस तरीके से उसका क्रियान्वयन होना है, किस तरीके से चीज़ों को किया जाए, उसको लेकर के समय समय पर संगोष्ठियां हो रही हैं। और शिक्षा एक ऐसा विषय है कि जिसपे लगातार काम करना है, तो हम लोग बेहतर व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं। और आपने विद्यालयों में प्राइमरी से लेकर के आपने हायर एजुकेशन तक में देखा होगा शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। आगे क्या संभावनाएं हैं, आगे क्या नया मिलने वाला है? नई शिक्षा नीति जो आई है उसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 जिसके फायदे अनंत हैं। उसमें व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है। वो उसको अगर हम मूल में कहें आपको तो उसके मेल मूल में ये है कि व्यक्ति अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के साथ में तकनीक को लेकर के रोजगार की तरफ बढ़े। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल में ये छुपा हुआ है और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का कर्तव्य होता है, उद्देश्य होता है, तो उसी को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। स्ट्रीट बस के लिए सुल्तानपुर से लालजी की रिपोर्ट। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।